यहाँ पे एक ऐतिहासिक कानून को अमली जामा पहनाने का काम चल रहा था। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो तरीके से अब इतिहास हो जाएंगे, उसकी जगह नई जो व्यवस्थाएं हैं, भारतीय न्याय संहिता हो या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो या फिर भारतीय साक्ष्य संहिता हो, 2023 का ये अपने आप में बताता है कि किस प्रकार से कानून की शक्ल लेने जा रहा है। क्योंकि कल लोकसभा से इसे पास किया गया और उसके बाद में अब राज्यसभा से इसका पास होना एक औपचारिकता फिलहाल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि क्लॉज बाई क्लॉज लेने के बाद में इसके पास होने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। उसके बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में ये ऐतिहासिक कानून बन जाएगा। गुलामी की मानसिकता से आगे बढ़ते हुए भारतीयों के द्वारा, भारतीयों के लिए और भारतीय संसद के माध्यम से बनाए गए इस बिल को ऐतिहासिक करा दिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो ये निश्चित तौर से अपने आप में एक ऐतिहासिक बिल, जो कि संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र के माध्यम से ये पास होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बात करते हैं इस खबर पर, हम चर्चा भी करेंगे। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन कई महत्वपूर्ण विधेयकों को आज लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया गया। लोकसभा ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया, तो वहीं राज्यसभा ने दूरसंचार विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित कर दिया। इसके साथ ही ये दोनों विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गए हैं। गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज हुआ और कई विधेयकों को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। लोकसभा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त यानी नियुक्ति, सेवा शर्तें और पद की अवधि विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित कर दिया। संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पीएम, कैबिनेट मंत्री और नेता विपक्ष की समिति की सिफारिश पर होगी। कानून मंत्री की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी उम्मीदवारों के नाम देगी। राज्यसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके तहत ही ये बिल लेकर के आपके माध्यम से हम सदन में उपस्थित हुए हैं, इस महान सदन के समक्ष। इसलिए ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा था और आप कुछ और कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार ही ये बिल लेकर के आए हैं, जो 2 मार्च 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। वहीं उच्च सदन राज्यसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। नया कानून इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 की जगह लेगा। और आपको एक बार फिर से ले चलते हैं राज्यसभा की सीधी कार्रवाई की ओर। फेवरिंग एलियन रूलर्स आफ्टर द हिस्टोरिक स्टेप ऑफ अबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड प्रोविजन ऑफ 1/3 रिजर्वेशन फॉर वीमन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, द हाउस अफोर्डेड द बेनिफिट ऑफ द सेम टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू द बिल्स पास्ड ड्यूरिंग द सेशन। The Post Office Bill revamped the old colonial structure to set up the stage for fulfillment of the aspirations of the people of the country. These bills represented the spirit of Panch Pran that would lay a firm foundation for Bharat's Amrit Kal. We were able to transact business for 65 hours during the 14 sittings and addressed over 2,300 questions from Treasury and the opposition benches. During the period, over 4,300 papers were laid on the table. I am pained to state that nearly 22 hours were lost due to avoidable disruptions adversely impacting our overall productivity and finally stood at 79%. Weaponizing disruption and disturbance as a political strategy doesn't resonate with our constitutional obligation of keeping the interest of the people at large above any other political considerations. Honorable members, in line with our progressive initiatives of previous sessions, in this session as well, we have ensured that our esteemed lady members would continue to represent 50% of the panel of vice chairpersons and the table of the house. I thank each and every member of the panel for their effective contribution in handling the session. During the course of the session, interns from various institutions from Andaman, Kerala, Rajasthan, Ladakh, Tamil Nadu and Andhra Pradesh had the benefit to observe the functioning of Rajya Sabha. It was a part of our effort to establish a link with the younger generations of this country whose future invariably rests with our constitutional obligations inside this chamber. Let me conclude by expressing my deep sense of gratitude to the Honorable Deputy Chairman Sri Harivansh Ji, whose guidance, experience, eloquence and expertise had helped to conduct the proceedings of the House smoothly.
माई थैंक्स ऑल्सो टू सेक्रेटरी जनरल एंड हिज एंटायर टीम ऑफ ऑफिसर्स हु हैव एंश्योर्ड सीमलेस फंक्शनिंग ऑफ दिस सेशन विद अटमोस्ट डेडिकेशन. आई विश ईच एंड एवरी वन ऑफ यू मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर 2024. आई एम श्योर आई एम नॉट अलोन इन एक्सपेक्टिंग 2024 विल बी अ डिफरेंट ईयर इन अ सेंस दैट विल कंटिन्यू होलसमली फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ भारत एंड दिस हाउस प्लेज अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन डिलीवरिंग सो. थैंक यू. जय हिंद. नेशनल सॉन्ग. Urgent sign a die. तो संसद के शीतकालीन सत्र का सत्रावसान हो गया है. राज्यसभा की कार्रवाई को आप देख रहे थे जिसे सायनडाई किया गया, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई. और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जिस तरीके से लगभग 22 घंटे का व्यवधान राज्यसभा की बैठक के दौरान सांसदों के माध्यम से देखने को मिला है उसकी वजह से उत्पादकता पर सीधा असर पड़ा है. जितने विधायी कामकाज राज्यसभा में हो सकते थे उतने नहीं हो पाए हैं और उत्पादकता 79% रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा हो सकती थी. 22 घंटे के आसपास व्यवधान में समय गया है, अच्छा खासा हंगामा हुआ. इसकी वजह से उन्होंने इस बात पे अपना दुख भी जताया कि राजनीति की वजह से हंगामा और विरोध करना देश हित में नहीं है. सीधे शब्दों में उन्होंने इस बात का जिक्र किया और उन्होंने उम्मीद भी जाहिर की है कि आने वाला जो साल है वो इस प्रकार के को देश के लिए बेहतर होगा, संसदीय व्यवस्थाओं के लिहाज से बेहतरी से काम करता नजर आएगा. तो एक तरीके से लोकसभा हमने देखा पहले ही सायनडाई हो गई थी, अब राज्यसभा यानी कि संसद के शीतकालीन सत्र का सत्रावसान हो गया है, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है. तो कुछ और संसदीय कार्रवाई से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं. भारतीय दंड संहिता और इससे जुड़े दो कानूनों के स्थान पर लाए गए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक को राज्यसभा ने पारित कर दिया है. लोकसभा इन विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है. इन कानूनों का उद्देश्य दंड के साथ साथ न्याय सुनिश्चित करना था. किस तरीके से देखिए इस रिपोर्ट में. देश में आपराधिक कानूनों को बदलने वाले तीन ऐतिहासिक विधेयकों भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय सब विधेयक को संसद से पारित कर दिया गया. विधेयक पर राज्यसभा में गुरुवार को चर्चा हुई. चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक गुलामी की मानसिकता को मिटाने के मोदी सरकार के संकल्प का एक हिस्सा है. हमारे संविधान निर्माताओं ने भी राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय को बरकरार रखने की संविधान की गारंटी हमारे 140 करोड़ के देश को दी है. इसको भी परिपूर्ति करने का इस तीनों बिल के अंदर प्रयास किया गया है. ये कानूनों की आत्मा मान्यवर भारतीय है और पहली बार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भारत द्वारा भारत के लिए और भारतीय संसद से बनाए गए कानूनों से अब हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गवर्न होगी, इसका मुझे बहुत गौरव है माननीय. तीनों विधेयकों के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर अपराधों को लेकर आज तक कानून नहीं बनाए गए. भारतीय न्याय संहिता में भी अब
21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिसमें एक अपराध मॉब लिंचिंग का है। हम पर आरोप करते थे कि आप मॉब लिंचिंग को प्रोटेक्ट करते हो, आपने तो कभी कानून बनाया नहीं, मगर हमने कानून बना दिया। मानव वध से बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता और इसको कठोरता के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजद्रोह कानून औपनिवेशिक शासन के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था, जिसे भारतीय न्याय संहिता में जगह नहीं दी गई है। गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक के प्रावधानों को इस तरह तैयार किया गया है कि आम नागरिकों के लिए अदालती कार्यवाही सुलभ हो और समय पर इंसाफ मिले। देश के खिलाफ बोलोगे, देश के खिलाफ कुछ करोगे, देश के हितों को नुकसान करोगे, तो कठोर से कठोर दंड का प्रावधान इस कानून के अंदर। डेमोक्रेसी का जो मूल विचार है, लोकतंत्र का जो विचार है, देश महान होता है, व्यक्ति महान नहीं होता है। मान्यवर, इसको इस कानून के माध्यम से हम ला रहे हैं। अपराध के लिए हमने एक नई अवधारणा, नई व्याख्या जोड़कर संगठित अपराध पर नकेल कसने का काम इस कानून के माध्यम से। जो लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, छोटे से गुनाह के लिए जेल में डालने का जो कंसेप्ट था अंग्रेजों का, गलती होती है मान्यवर, पहली बार कोई गलती करता है, दूसरी बार गलती करता है, जानबूझकर नहीं किया है फिर भी गुनाह होता है, ऐसे ये लोगों के लिए जेल में पहुंचाने की जगह पछतावे के लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन हम इस कानून के। ये तीनों विधेयक कानून के लिहाज से एक ऐसे मापदंड बनने जा रहे हैं जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद दंड के प्रावधान को न्याय की ओर ले जाने वाले साबित होंगे। इन तीनों विधेयकों के माध्यम से न्याय की प्रक्रिया त्वरित तो होगी ही, लेकिन उसमें यह भी शामिल होगा कि ये आजाद भारत में हमारी न्याय व्यवस्था के लिए नए कोड होंगे। नए कानूनों में इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि अदालती सुनवाई और फैसले के लिए एक अधिकतम सीमा होगी। तीनों विधेयक भारतीय संविधान की मूल भावना को हकीकत में बदलने वाले हैं और यह कानून आने वाले कम से कम 100 सालों तक की जरूरतों पर खड़े उतरेंगे। ऋषि कुमार के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, DD News, दिल्ली। तो हमने देखा कि अब से